जय श्री राधे। आइए आज हम जानेंगे मोती किसे धारण करना है, किसे नहीं धारण करना है। और आप लोग ये वीडियो देखने के बाद आज ही मोती धारण कर लें, आपका किस्मत बदल जाएगा, किस्मत बिल्कुल आपका खुल जाएगा। जो कहते हैं किस्मत का ताला बंद हो गया है, वो आपका किस्मत का ताला बिल्कुल खुल जाएगा। अब मैं बताऊंगा मोती किसको धारण करना चाहिए, मोती धारण करने से क्या फायदा होता है और मोती धारण करने का विधि। सबसे पहले तो हम जानेंगे मोती कैसे धारण करते हैं। मोती धारण करने का यही नियम है, सबसे पहले तो आप अपना वेट देखें, कितना आपका वजन कितना है। 10 किलो पे सवा रत्ती होता है, 20 किलो पे सवा दो रत्ती, 30 किलो पे इसी तरह से होता है। इसे मान लीजिए 50 किलो के हैं तो सवा पाँच रत्ती, 60 किलो के हैं तो सवा पाँच से साढ़े छः रत्ती, 70 किलो के हैं आप तो सवा सात से साढ़े सात, 80 किलो के हैं तो साढ़े आठ। इसी प्रकार से आपको मोती लेना है। तो सबसे पहले तो आप सुच्चा मोती ले आएंगे और उसको बिल्कुल जो है अच्छे से देख लेंगे, किसी जानकार ज्योतिषी को दिखा लेंगे मोती सच्चा अच्छा है या नहीं, मतलब ओरिजिनल है या नहीं। तो सबसे पहले तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। देखिए सबसे पहला काम तो यही होता है मोती ले आना है, तो मोती तो आप ले आएंगे, अगर मोती ठीक नहीं रहेगा तो उसका फायदा नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है हम जो मोती लाए हैं वो ठीक है कि नहीं, ओरिजिनल है कि नहीं, ये आपको पहले ही परखना है। तो इसके बारे में पहले ही जानकारी ले लें, किसी से पूछ लें, किसी को ला के दिखा दें, तब आप मोती लें। अब उसको अपना नाप के अनुसार उसको बना लें और इसको कनामिका अंगुली में पहनना होता है, कनिष्ठिका अंगुली में आप धारण कर लें। और मोती जो धारण करना है वो सोमवार को धारण करना है, एक दिन पहले रविवार को पंचामृत बना लें। पंचामृत में जो ये देखिए मैं दिखा भी दे रहा हूँ मोती का अंगूठी, ये मोती का अंगूठी है, इसको आप लोग पंचामृत में डाल दें। पंचामृत में डाल के बाद पूरी रात को छोड़ दें, पूरी रात उसी में रहेगा, इसमें थोड़ा गंगा जल भी डाल दें। और पंचामृत में क्या क्या रहेगा वो भी बता देता हूँ मैं। एक तो रहेगा गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, शहद, शक्कर और गंगा जल, सब चीज़ को मिक्स कर लें, मिला लें। उसके बाद आप लोग पंचामृत को बना करके उसमें अंगूठी को डाल दें, पूरी रात छोड़ दें। अगले दिन आप लोग स्नान ध्यान करके अपने दैनिक दिनचर्या से निवृत्त हो करके आप लोग या तो खुद उसका पूजा करें या किसी ब्राह्मण से करा लें, या किसी मंदिर में जाके ब्राह्मण से करा लें। आप लोग उसमें से निकाल लें, उसको सबसे पहले गंगा जल से धो लें। गंगा जल से धोने के बाद चंद्रमा का ध्यान करना होता है। मोती स्टोन जो है वो चंद्रमा का स्टोन है, चंद्रमा जो ग्रह है, और चंद्रमा का दिन है सोमवार, तो आप लोग सोमवार के दिन इसको धारण करेंगे। चंद्रमा का ध्यान करके अपने मन में स्मरण करें, उनसे कामना करें, हे चंद्रदेव महाराज, हे चंद्र ग्रह, हमारे ऊपर आप प्रसन्न हो और जो मैं मोती धारण कर रहा हूँ उसका विशेष फल हमें प्राप्त हो। इस प्रकार से आप आवाहन करेंगे, उनसे कामना करेंगे। उसके बाद अंगूठी में टीका लगा दें, कलावा बांध दें, धूप दीप दिखा करके कुछ भोग लगा दें। उसके बाद कम से कम 5 माला ओम चंद्रमशये नमः, ओम चंद्रमशये नमः अगर वैदिक मंत्र से जप करेंगे इसका तो और ज़्यादा फल आपको प्राप्त होगा। वैदिक मंत्र है ओम इमम देवा शपद्रंगु शोध महते, ते मंत्र है, पूरा बड़ा मंत्र है। तो पूरे मंत्र का कम से कम 108 बार एक माला या 5 माला अवश्य करें, इसका ज़्यादा फल आपको प्राप्त होगा। तो आप लोग चंद्रमा के मंत्र से इसको पहले अभिमंत्रित कर लें, सिद्ध कर लें, फिर ज्योत के चारों तरफ घुमा दे उस अंगूठी को। उसके बाद अपने
हाथ में लेकर के मस्तक में लगाए भगवान से फिर एक बार मनोकामना करें, उसके बाद आप इस उंगली में पहन लेंगे। फिर पहन के सर्वप्रथम भगवान को नमन करेंगे, भगवान को प्रणाम करेंगे, जो बड़े हैं उनको भी प्रणाम करें जो आपके पास में हैं। तो इस प्रकार से इसको धारण करें। अब जो है चंद्रमा किसे पहनना चाहिए और मोती किसको पहनना चाहिए और किसको मोती नहीं पहनना चाहिए, तो मोती उन्हीं को पहनना है जिनका चंद्रमा खराब है। चंद्र जिसका नीच का है, चंद्रमा कमजोर है, वो लोग मोती को धारण करें। उनको भी देखना है चंद्रमा किस घर में बैठा है तो क्या हमें फल दे रहा है। अगर चंद्रमा उच्च का रहेगा तो आपको मोती नहीं पहनना है, जो पावर में है उसको ज्यादा पावर नहीं देना है, ये आपको ध्यान रखना है। जब भी अपना कुंडली दिखाएंगे तो आप लोग जब दिखाएंगे उस समय पूछ लेंगे, वैसे तो ज्योतिषी लोग बताते भी हैं, एस्ट्रोलॉजी जो होते हैं वो बता देते हैं आप ये रत्न धारण करें। तो हम केवल आज जो है मोती के विषय में बात करेंगे, किसको धारण करना है किसको नहीं। फिर अगली वीडियो हम जो है और भी स्टोन का बनाए भी हैं और भी बनाएंगे। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट के माध्यम से, तो आप इसमें पूछ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग आपके सवाल का जवाब दें और आपको उसका उपाय बताएं, जो भी आपका प्रश्न है उसका उत्तर दें। अगर आप लोग बात करके जानकारी करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो आप लोग नीचे लिखे गए नंबर पर बात भी कर सकते हैं, आप लोग पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो मोती जो है जिसका चंद्रमा खराब है, चंद्रमा नीच है, चंद्रमा का महादशा चल रहा है, चंद्र ठीक नहीं है, वो लोग मोती धारण करें। मोती धारण करने का दिन मैं बता ही दिया हूँ, और एक बात का और ध्यान दें, मोती धारण करेंगे जब अब शुक्ल पक्ष जब होगा तब शुक्ल पक्ष में ही मोती धारण करें। मोती धारण या कोई भी विशेष पूजा पाठ करते हैं, कोई भी स्टोन पहनते हैं, तो कोशिश करें उजाले पक्ष में ही पहने, जो शुक्ल पक्ष कहा जाता है। इस चीज का भी आप लोग ध्यान देंगे, और माला पहनने के बाद जब अंगूठी पहन लेंगे तो आप लोग उसको हर सोमवार को पूजा कर देंगे, दूध के सामने घुमा देंगे, उससे क्या होगा उसका शक्ति बढ़ता जाएगा। चंद्रमा जब ठीक होने लगता है और चंद्रमा का जब आप मोती पहन लेंगे, कोई भी जातक हो कोई भी मनुष्य हो, तो उसका एक तो दिमाग जो है शांत रहता है, मन स्थिर रहता है, मन उग्र नहीं रहता है, चिड़चिड़ापन से आपको राहत मिलेगा, गुस्सा आएगा तो गुस्सा भी राहत देगा। अगर आपका दिमाग एक ही समय कई काम में जा रहा है, कई काम एक ही समय आ जा रहा है, एक मतलब अभी कुछ और सोच रहे हैं फिर जो है कुछ और सोचने लगे, अभी एक ख़त्म नहीं हुआ फिर उसी में कोई और सोच आपकी आ गई, तो ये भी आपको फायदा होगा। अगर आप कुछ भी सोच रहे हैं तो पहले एकांत मन से आप एक बात को सोच लेंगे, फिर दूसरा विचार आपके मन में आएगा, इसका भी खासियत है। और मोती धारण करने के बाद कोई भी जातक हो उसका एक आप लोग नया अंजात पाएंगे, कोई भी काम हो, जैसे मान लीजिए वो छोटा मोटा कोई काम कर रहा हो, जैसे लिख रहा है कोई, तो जब मोती धारण कर लेगा तो लिखने का भी वो अपना अलग अंजात दिखाएगा, उसका जो अंदर से उसका फीलिंग आएगा वो नए अंजाद में आएगा, भले ही कितना भी पुराना चीज़ को टॉपिक पाएगा हो, फिर वो युग के हिसाब से उस समय के हिसाब से उसको नए स्तर से लाएगा, वो नए तरह से लाएगा, वो बिल्कुल जो है अलग अंजाद उसका दिखेगा। मान लीजिए कोई खाना ही बना रहा है, रोटी सब्जी बना रहा है, तो रोटी सब्जी को भी एक ऐसा रूप दे देगा बिल्कुल आपको नया रूप लगेगा, और उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो आप खुद देखोगे, खुद आप जो है बताएंगे उसको, उसका जो कला है, जो एक नई चीज ला रहे हो उभर के आ रही है, वो आप खुद बताओगे, उसको बताने की जरूरत नहीं है। और हर समय वो फीलिंग करेगा, कुछ भी अगर सोचेगा तो नए तरीके से वो उसको ले आएगा। एक तो एक चंद्रमा का खास हो गया, और चंद्रमा का मोती पहनने से एक चीज का और बहुत विशेष फायदा है,
ऐसे मान लीजिए आपके मन में तो है कोई बात, लेकिन मुंह पे नहीं आ रही है, वर्ड में वो नहीं आ पा रही है, तो आपके मन में जो है वो तुरंत जो है आप किसी को भी बता सकते हो। अगर कोई बात आप करना तो चाहते हो लेकिन बोल नहीं पा रहे हो, तो अगर चंद्रमा धारण कर लिए, अगर वो सूट कर गया, तो आप जो है अपनी जो भी बात है, जो काफ़ी दिनों से दूसरे को नहीं बता पा रहे हो, वो भी शेयर कर सकते हो। तो ये खासियत, बहुत बड़ा खासियत है चंद्रमा का और मोती पहनने का, तो आप लोग इसका लाभ अवश्य उठाए और इसका नियम पूर्वक पहले अंगूठी को सिद्ध करें, अभिमंत्रित करें, फिर पहने। और मैं बता दिया किसको धारण करना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए और क्यों पढ़ना चाहिए। इसका चंद्रमा नीच का हो, चंद्रमा का महादशा है, चंद्रमा कमजोर है, उसी को ही मोती धारण करना है, सबको मोती धारण नहीं करना है। और जो लोग जैसे किसी को दिखाए, उनको पता चल गया हमारा चंद्रमा ठीक नहीं है, चंद्रमा खराब है, चंद्रमा का महादशा है, तो वो लोग आज ही चंद्रमा का मोती धारण कर ले, उनका बिल्कुल भाग्य बदल जाएगा, बिल्कुल उनका भाग्य उदय हो जाएगा। तो आप लोग अगर आपके जन्म पत्री में, वर्ष पत्री में चंद्रमा नीच का है, चंद्रमा का महादशा है, तो आप लोग मोती धारण अवश्य करें और इसका लाभ अवश्य लें। और कमेंट में ओम चंद्रमशे नमः अवश्य लिखें। तो हम लोग इसी तरह का वीडियो लाते रहते हैं, आप लोग काफ़ी वीडियो हमारे चैनल में पड़े हैं, और कर्मकांड से, पूजा पाठ से रिलेटिव, ज्योतिष शास्त्र से रिलेटिव, वास्तु शास्त्र से लेकर के, मतलब हर एक वीडियो आप पाएंगे। आपको जो भी जानना हो, जो भी देखना हो, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, मतलब कौन सी त्यौहार कब है, कब मनाना है, किस विधि से मनाना है, ये भी हम बताते रहते हैं। और सारी वीडियो में हम यही बताते हैं क्या करना चाहिए और किस तरह करना चाहिए। मतलब ये लोग, हम लोग जो वीडियो बनाते हैं ये, उसमें हम पूरी मतलब जो है विधि विधान के साथ बताते हैं और शास्त्र के अनुसार बताते हैं, उसका प्रमाण भी हम लोग दिखाते हैं। मतलब बिना प्रमाण का कुछ हम लोग नहीं बोलते हैं, जो शास्त्र में है और जो शास्त्र आदेश देता है ये करने से ये फायदा होगा, वही हम बताते हैं। मतलब ऐसे चीज भी नहीं बताएंगे जो करने से आपको कुछ फायदा नहीं। तो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल पे और भी वीडियो देख सकते हैं और आप लोग जो भी जानकारी लेना है ले सकते हैं। जो लोग इस वीडियो को अंत तक देखें उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए इस वीडियो से हम विदा लेते हैं, फिर अगली इसी तरह का वीडियो हम बहुत जल्दी लेकर के आएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।